मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के 34 लोगों से भरी बस हिमाचल प्रदेश में पलट गई। इनमें 11 लोग घायल हो गए, इनमें से दो की हालत गंभीर है। सभी यात्री हिमाचल के चिंतापूर्णी माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा शुक्रवार को अंब मंडल के मुबारकपुर के पास हुआ। श्रद्धालु मंदसौर के बोरखेड़ी चरण गाँव में रहने वाले हैं। हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश के अंब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां दो लोगों को ऊना सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनमें बस ड्राइवर पुष्पराज जिसकी उम्र 59 वर्ष और महिला गोपाली बाई जिसकी उम्र 50 वर्ष शामिल हैं। बताया जाता है कि मंदसौर से यात्रियों से भरी बस चिंतापूर्णी माता मंदिर से दर्शन करने गए थे। यहां से लौटते समय बस हादसे का शिकार हो गई। बस में 34 लोग सवार थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अंब अस्पताल में पहुंचाया। बस में सवार महिला गट्टूबाई ने कहा कि वह सभी 18 अगस्त को घर से विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकले थे। शुक्रवार को वह चिंतापूर्णी पहुंचे थे। यहां से माथा टेकने के बाद कुरुक्षेत्र जा रहे थे कि हादसा हो गया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। मौके पर पहुंचे अंब थाना के SHO ने कहा कि सूचना के बाद स्टाफ घटना स्थल पर पहुंचा। यहां जाम को खुलवाया गया, घायलों को अंब अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अनियंत्रित होने से बस रोड पर पलटी, लेकिन फिर भी पूछताछ करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कारणों से जो है पलट गई रोड के ऊपर, और इसमें अभी तक प्रारंभिक तौर पर पता लगा कि 10 से 11 व्यक्ति जो है इंजर्ड है इसमें, बाकी जो है ठीक है और किसी प्रकार की कोई ऐसे जानी माली नुकसान नहीं हुआ है।